मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में व्यावसायिक छायाकार संघ भोपाल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया, जिसमें इन छायाकारों का मुख्य उद्देश्य ये था कि कई अवैध संस्था बनाकर बिना किसी अनुमति प्राप्त किए फोटो फेयर कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। इसके विरुद्ध शासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए कैमरामैन विकास के साथ साउद सिद्दीकी की खबर, SS के लिए भोपाल से एक रिपोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर भोपाल के अंदर हर बार फेयर कर रहे हैं ये शोभा स्टूडियो वाले। आज तक तो इन्होंने शोभा के नाम से कर रहे थे, कोई बात नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने भोपाल फेयर के नाम से कराया, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आए दिन इनके भी कोई सामान लेने जाओ या किसी काम के लिए जाओ तो ये अच्छे से बिहेव भी नहीं करते। जब भी कोई बात होती है या किसी मसले में होता है, जैसे सौरभ मीणा का हुआ था, इससे पहले हर्ष फायरिंग के अंदर मारा गया था वो लड़का, सारे भोपाल के फोटोग्राफर इकट्ठा हुए, उस वक्त भी इन्होंने हमारा साथ भी नहीं दिया और उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया, जिसको हमने सारा पैसा इकट्ठा करके सारे फोटोग्राफरों ने भोपाल के सब ने उनको पैसा दिया। अभी उनके 28-29 तारीख को उनका फेयर लगने वाला है, उसका बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। तो बहिष्कार कर रहे हैं उनका, हम नहीं चाहते कि वो आइंदा से यहाँ पर भोपाल में फेयर लगाएं। जब भी जो भी काम होगा छायाकार संघ जो हमारा 2005 से रजिस्टर्ड है, हम लोग सब मिलकर करेंगे ये काम।